हाय दोस्तों, वेलकम टू द एचआर व्लॉग। माय नेम इज़ प्रवीण। आज हम जा रहे हैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने। इसका नाम है वन प्लस 3T। यह अमेजोन पे सबसे अच्छा चलने वाला प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च हुआ है और बहुत प्रोडक्ट अच्छे दाम पे भी मिल रहा है। अच्छे तरह से इसके रिव्यू है और फीचर बोले तो फ़ोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सभी जो इसकी डिटेल्स है वो अभी बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं कि फ़ोन दिखता कैसा है। हम फ्रंट से देखें तो फ़ोन ऊपर से ब्लैक कलर में आता है और एंगल्स देखें, इसके कॉर्नर्स देखें तो स्लाइटली करो अच्छे तरह से करो क्या, यानी कि डिज़ाइन और डिज़ाइन भी बहुत सारे अच्छे हैं। हम साइड से देखें तो पीस एकदम ही स्लिम दिखता है, यानी कि लाइट वेट तो ये प्रोडक्ट है ही, लेकिन इसकी जो साइड का जो व्यू है वो अच्छी तरह से दिखता है। तो यह अच्छा तरह का प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट तो दो कलर में आता है। फर्स्ट है गन मेटल, अभी हमने जो देखा ना ब्लैक कलर वाला, यह गन मेटल कलर में है। और जो दूसरा कलर है वो है सॉफ्ट गोल्ड मेटल, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन लुक इसे मिला है। तो हम अभी सॉफ्ट गोल्ड जो प्रोडक्ट कैसे दिखता है ये देखते हैं। सॉफ्ट गोल्ड ऊपर से तो वाइट है, जैसे कि हमने देखा कि गन मेटल ब्लैक कलर का है, लेकिन सॉफ्ट गोल्ड अच्छे तरह से दिख रहा है। डिज़ाइन देखो तो सेम ओप्पो जैसा दिखता है, यानी कि ओप्पो का भी सेल्फी एक्सपर्ट यानी और 57 है वाइट कलर में, सेम ऐसा ही दिखता है। तो इसकी जो ऊपर से जो लुक है वो बहुत ही अच्छी तरह से लुक है। हम अब बैक से देखते हैं कि बैक से फ़ोन कैसे दिखता है। ये देखो, ये प्रोडक्ट ब्लैक बैक साइड से भी अच्छी तरह से दिखता है। बैक साइड से सॉफ्ट गोल्ड कलर इसे मिला है और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, अच्छी तरह से यह प्रोडक्ट लुक भी अच्छी तरह से दिया है। इसकी जो चार्जिंग का जो ट्रैक दिख रहा है ना यहाँ पे यह चार्जिंग का जो ट्रैक है इसे डैश चार्ज कहते हैं। सबसे फास्ट चार्ज होने वाला ये फ़ोन है अभी तक का। अभी तक ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया में नहीं मिल रहा था, लेकिन जस्ट ही अमेजोन ने इसे लॉन्च कर दिया है और अच्छे दाम पे इंडिया में मिल रहा है। इस पर जो साउंड क्वालिटी दिखा रही है इसे, यानी कि साउंड की जो सिस्टम दिख रही है ना, अच्छी तरह से ब्रिलियंट साउंड इससे आती है। ओप्पो में भी सेम तरीके से ही साउंड क्वालिटी और जो होल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल्स ये साउंड के, इसमें से अच्छी तरह से साउंड क्वालिटी आती है। जहाँ से हम अच्छी तरह से म्यूजिक लिसन करना चाहते हो तो म्यूजिक अच्छी तरह से आते हैं और हेडफोन जैक भी इसका और एज कम्पेयर टू अच्छे तरह से दिखता है। तो हम इसके अभी स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं कि कितने स्टोरेज तक आता है और कितने GB रैम वाला है। तो हम देखते हैं पहले 64 GB वाला पीस 6 GB रैम में आता है, यानी कि हम 64 GB का सॉफ्ट गोल्ड हो या गन मेटल प्रोडक्ट हो हम लेना चाहोगे तो 64 GB में 6 GB रैम आएगी। 6 GB रैम बहुत सारी है। 6 GB रैम ऐसी रैम है कि जिससे फ़ोन आपका हैंग कभी होगा ही नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 64 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। और अब हम देखते हैं कि 128 GB वाला सेम रैम है, कोई फ़र्क नहीं है। 64 GB आप लेना चाहोगे तो 6 GB रैम ही मिलेगी और 128 GB वाला लेना चाहोगे तो 6 GB रैम मिलेगी। यानी इसमें रैम का कोई दिक्कत नहीं है, रैम सेम है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट है और प्राइस भी डिफरेंट है। 128 GB वाला फ़ोन आप लेना चाहोगे तो आपको मिलेगा 34,999 रुपीज़ में, और आप 64 GB वाला फ़ोन लेना चाहोगे तो आपका करीबन जाता है 29,999 रुपीज़ में। तो इट शुड बी ग्रेट टू बाई 29,000 वाला। 64 GB बहुत सा होता है, लेकिन जिनको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए और उनको लगता है कि हमें स्टोर डाटा मोर स्टोरेज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 128 GB वाला ही फ़ोन ले लें। फ़ोन दिखने में तो बहुत सा ब्रिलियंट दिख रहा है और लाइट वेट भी है। इसका वेट कंपेयर करें तो ओनली 159 ग्राम्स का है, यानी कि लाइट वेट है और डिज़ाइन भी अच्छी तरह से किया है। आप ज़रूर ले लें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका जो कैमरा दिखता है तो वो उसका कैमरा हम देखें तो 16 MP का प्राइमरी कैमरा है और बैक का कैमरा आप बोले तो
16 MB का ही यार, 16 MP का ही रहता है, नहीं मेगा पिक्सल का। तो प्रोडक्ट्स की ऑटो फोकस सिस्टम है, यानी कि ऑटोमेटिकली फोकस होगा, ब्लर चाहे तो ब्लर कर सकते हैं, ब्लर नहीं करना चाह रहे तो ब्लर नहीं कर सकते, यानी कि DSLR जैसी पिक इसके साथ आ सकती है। और एज कम्पेयर टू इसकी बैटरी, इसकी बैटरी देखते हैं हम 3400 mAh, इट शुड बी यूनिक, सफिशियंट है बैटरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसके अब रिव्यू देखते हैं, इसको रिव्यू कैसे मिले, कस्टमर लेना चाहते हैं, कितने कस्टमर सेटिस्फाई और कितने नहीं है। इसके पर हम रिव्यू देखने से पहले हम इसकी चार्जिंग की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि इसका डैश चार्ज है, यह फर्स्ट टाइम डैश चार्ज लाया है, यह इतना फिट होता है सॉकेट में और इतनी ब्रिलियंट स्पीड से चार्जिंग करता है कि हाफ एन आवर में, आधा घंटे में मोबाइल फुल हाफ होता है। यहाँ पे दिख रहे होगे आप, हाफ एन आवर डेज पावर इन हाफ एन आवर। डैश चार्ज इज फास्टर, सेफर, कूलर एंड सिंपली बेटर देन एनी अदर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू डे। यानी कि इसका मेन फीचर ये है कि इसका डैश चार्जर लेस टाइम में फास्ट चार्ज करने वाला फोन लेना चाहोगे तो OnePlus T3 ही ले, क्योंकि लाइट वेट मिलेगा, हेवी पावर भी मिलेगी, स्मार्ट वे है और अच्छी तरह से दिखता भी है, स्टाइलिश लुक भी है और अच्छे तरह से रिव्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एंड्रॉयड में आता है, 6 GB में आता है इसकी। और हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस और आंसर्स। कस्टमर रिव्यू देखते हैं, 3.3 out of 5 star, यानी कि अच्छे तरह से इसको रिव्यू मिले हैं, करीबन 5 स्टार के तरफ इसको रिव्यू मिल चुके हैं। और हम देखते हैं अब कस्टमर क्या कहते हैं। यहाँ पे आप दिखाई देंगे दिवाक्स, आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ द वन प्लस डिवाइसेस एज माई डेली ड्राइवर बिफोर एंड आई हैव पोस्टेड एन एन डेप्थ रिव्यू ऑफ OnePlus T3 एंड नाउ यूजिंग द OnePlus T3 सो इज रिव्यू। आई विल शेयर गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट अलॉन्ग विद रीजन टू चूज प्लान T3 और गेट स्टार्टेड। ओके, तो इसके रिव्यू ने देखे कि अच्छी तरह से फोन है, बॉक्स में क्या क्या आता है हम देखते हैं। OnePlus T3 के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है, डैश चार्जर अडेप्ट रहता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्ट रहता है, USB टाइप सी केबल का ही फोन है, और सिम कार्ड इजेक्टर टूल, यानी कि जो सिम कार्ड हम निकालने वाला वो पन्ना बोलते हैं ना उसको, वो पन्ना, और उसके साथ यूजर मैनुअल आता है, देन मैसेज फ्रॉम कंपनी को फाउंडर कार्ड पे, कंपनी के को फाउंडर इसका मैसेज भी आता है। और उसके साथ अच्छी वाली बात है कि 300 रुपये का प्रोमो कोड भी आता है, यानी कि 300 की भी हमारी सेविंग होती है हाथे से। और सम स्टिकर्स आता है, यानी कि जो कि कैसे स्टिकर आते थे ना, वैसे कोई स्टिकर आने वाले होते हैं। ओके, तो इन्होंने फोटो के साथ भी लिखा है कि यहाँ पे रिव्यू किया है, आप देख सकते हैं इन्हें क्या क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल पिक्चर है बट अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। हम देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे फोन से ऊपर इसके व्यू से दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे से दिखाई दे रहा है, और डैश आपको एक चार्जर दिखा रहा है इसका, डैश चार्जर वाला। तो इन्होंने अनबॉक्स करके आपको फोटो के साथ प्रूफ भी दिया है कि कितना सेटिस्फाई है ये कस्टमर, यानी लेने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे दाम पे मिल रहा है, आप जरूर ले, कोई दिक्कत नहीं है आपको लेने के लिए, अच्छे रिव्यू भी इसे मिल चुके हैं, कोई भी परेशानी नहीं है आपको। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक हम अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करो, आप अमेज़ॉन की साइट पे जाओगे और आपको अच्छे डील पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमारे लिंक प्रोडक्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिखाई दे रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिए हुए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे से आप बाय कर सकते हैं। एक अच्छे दाम पे फ़ोन लेना चाहते हो तो OnePlus 3T ही फ़ोन ले, आप
100% सेटिस्फाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे दोबारा विनती करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।